शिक्षा नगरी कोटा में परीक्षा में अच्छे नंबरों के बदले छात्राओं पर फिजिकल रिलेशन का दबाव बनाने वाले आरटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर आरटीयू में गुरुवार को करीब 3 घंटे तक हंगामा हुआ। इधर वीसी पर एक छात्र द्वारा जूते से हमला करने पर हंगामा मच गया। आपको बता दें, आरटीयू परिसर में एक शिक्षक और छात्र के बीच की सभी मर्यादाएं टूट गईं। एक छात्र ने वीसी एसके सिंह पर जूते से हमला कर दिया। वीसी पर हुए हमले के बाद पुलिस ने छात्रों को कैंपस से खदेड़ दिया और हमलावर छात्र को हिरासत में ले लिया। यहाँ छात्र को हिरासत में लेने की खबर कैंपस में फैली तो छात्रों का हुजूम कैंपस की ओर दौड़ पड़ा। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। आरटीयू परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर सिटी एसपी केशर सिंह शेखावत, एडिशनल एसपी प्रवीण जैन के साथ पुलिस अधिकारियों का दल पहुंचा। हालात तनावपूर्ण बने रहे। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी आरटीयू परिसर पहुंचे। छात्र की गिरफ्तारी से गुस्साए छात्रों को समझाइश के प्रयास किए गए। इधर वीसी ने कहा कि आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 मेंबर्स की कमेटी ने प्रारंभिक जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। इसके आधार पर आरोपी को सस्पेंड किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। उधर आरोपी गिरीश परमार को पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। पेशी पर ले जाने के दौरान एक वकील ने आरोपी के थप्पड़ मारने की कोशिश की। पुलिसकर्मी प्रोफेसर को भागते हुए कोर्ट में ले गए। गिरीश परमार नाम के एक एसोसिएट प्रोफेसर के विरुद्ध एक आरटीयू की छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। रिश्वत के बदले अस्मत से जुड़ी मामला है कि या तो मेरे सामने आके समर्पित हों और शारीरिक संबंध बनाए, अन्यथा परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। और उसका आरोप है कि इसी कारण से उसको फाइनल ईयर में फेल कर दिया गया। इस संबंध में एफआईआर दर्ज हुई है। अनुसंधान के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए सही पाए जाने पर प्रोफेसर को और एक जो दलाल के रूप में छात्र था उसको गिरफ्तार किया। इसकी जांच के लिए कोई कमेटी बनाई? इस संबंध में प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि छात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए एडिशनल एसपी महिला अपराध उमा शर्मा को एसआईटी का प्रभारी बनाते हुए अमर सिंह डिप्टी एसपी को जांच सौंपी गई है और उसके साथ साइबर टीम को भी टीम अनुसंधान में साथ में जोड़ा गया। तो इस मामले में जो ऑडियो सामने आ रहे हैं उनकी भी क्या जांच की जा रही है? इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे तकनीकी तौर पर या मौखिक दस्तावेजी, उन सबको समाहित करते हुए कार्रवाई की जाए। सर, इसमें और व्यक्तियों की भी भूमिका लग रही है? जिस किसी की भी भूमिका सामने आएगी, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस अनुसंधान की तह तक जाएगी और उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।